देखो एक पॉइंट को समझो, रोटेशनल मोशन के अंदर आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स स्विच ऑन और ऑफ हो रहे हैं। एक टॉपिक आया, चला गया, टॉर्च चला गया, एक्चुअल में गया नहीं, उसको हमने एक जगह पे संभाल के रख लिया। अब है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स आएगा अभी आधे घंटे 20 मिनट के अंदर, ये भी चला जाएगा। फिर एक नया टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पढ़ेंगे, वो भी चला जाएगा। फिर से आएगा एक नया तरीका टॉर्क निकालने का, उसको पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। फिर आएगा एंगुलर मोमेंटम, उसको पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कई फेजेस में काम चल रहा है। फिर अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आएगा रोलिंग का, क्योंकि करनी क्या है हमने, रोलिंग। रोलिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके इकट्ठे एक ही क्वेश्चन पे लगने वाले हैं, ठीक। तो हम ये पूरा रोटेशनल फेजेस में कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि यार कैसा चैप्टर है, बट टॉर्क हुआ, फिर किया क्या हमने, टॉर्क का कुछ भी नहीं किया, टायर तो घूमा नहीं अभी भी, तो संभाल के रख लिया, साइड पे रख लिया। अब स्टार्ट करते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्यों करते हैं एंड में बताऊंगा, लेकिन होता क्या है, हमें तो काइनेमेटिक्स आता है, हमें आता है लीनियर काइनेमेटिक्स। जब बॉडी किसमें मूव करती है ना, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो मुझे पता है कि अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, तो अगर मैं ये लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, तो लीनियर मोशन के अंदर अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। और अगर एक्सेलरेशन है तो आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, या एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ये काइनेमेटिक्स में हमने किया। और अगर काइनेमेटिक्स में ये मेंशन होता है कि एक बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, तो सबको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये दोनों की दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं तो अंडरस्टूड है एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स है, कब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, हमने किया हुआ है ये। अब आ जाते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स बॉडी घूमती है, रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो अगर ओमेगा, अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की, एंगुलर मोशन का मतलब रोटेशनल मोशन, घूमने का मोशन है। एंगुलर मोशन में अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस की जगह थीटा इज ओमेगा टी, तो इसमें अल्फा नहीं होता। लेकिन अगर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि कितना, अल्फा, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू थीटा, और लास्ट थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है रोटेशनल काइनेमेटिक्स का। तो बस इसमें लीनियर मोशन नहीं है, इसमें एंगुलर मोशन है, घूमने की मोशन है, क्लियर है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलता है। तो इसके अंदर एंगुलर मोशन में बॉडी को घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क है तभी बॉडी घूमेगी, बिना टॉर्क के बॉडी नहीं घूम सकती। आप कहेंगे सर फोर्स है तो भी तो बॉडी घूम सकती है ना, अगर आप एक सर्कुलर बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाओगे देखो बॉडी घूमती नहीं है, तो आपको फोर्स नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, टॉर्क। क्योंकि अल्टीमेटली अगर टॉर्क है तो आपने फोर्स सही डायरेक्शन में लगाई तभी बॉडी घूम रही है, तो जो काम उसमें फोर्स करती है वो काम इसमें टॉर्क करता है। तो अगर ये बोला जाए कि एक क्वेश्चन के अंदर टॉर्क कॉन्स्टेंट है, टॉर्क कॉन्स्टेंट है, जैसे फोर्स कॉन्स्टेंट, जैसे टॉर्क कॉन्स्टेंट है, फोर्स कॉन्स्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, टॉर्क कॉन्स्टेंट का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं सर, कॉन्स्टेंट है। तो फोर्स अगर कॉन्स्टेंट है तो लीनियर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, और अगर ऐसी टॉर्क कॉन्स्टेंट है तो एल्फा कॉन्स्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे चलते हैं, तो कुछ एग्जांपल देता हूं और उसके बाद फिर कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, जैसे इस क्वेश्चन को एक बार देखना प्लीज, इस क्वेश्चन को देखें,
जैसे क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट मास रोटेट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियंस पर सेकेंड, तो रोटेट्स रेडियन पर सेकेंड ओमेगा होता है, तो रोटेट कर रही है ये, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 4 रेडियंस पर सेकेंड, तो फाइनल ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया, तो इनिशियल ये फाइनल कितनी देर में, 2 सेकेंड में, फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, तो क्या अप्लाई करेंगे, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, सॉल्व करके अल्फा आएगा, अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इसी क्वेश्चन में थीटा निकाल लो, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की बॉडी ने, तो इसी क्वेश्चन में अप्लाई करो, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, हाफ अल्फा हमने निकाल लिया, टाइम पता है, आंसर आंसर रेडियंस में आएगा। जैसे बॉडी इज रोटेटिंग विद 10 रेडियंस पर सेकेंड, तो क्या गिवन है, इनिशियल ओमेगा गिवन है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब फाइनल ओमेगा जीरो, घूमना बंद कर दिया, कितनी देर में, 5 सेकेंड में, जब कोई बॉडी घूमती घूमती रुकेगी तो उसमें एंगुलर रिटार्डेशन होगी, अल्फा इसमें नेगेटिव आएगा, तो आपको अल्फा निकालना है, तो अप्लाई करेंगे ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में, ओमेगा जीरो है, ओमेगा नॉट हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो अल्फा ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कितना एंगल कवर किया थीटा उसने 5 सेकेंड में, और एंगल निकालने के लिए अल्फा इसमें है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट पता है, टाइम 5 सेकेंड पता है, अल्फा नेगेटिव पता है, टाइम 5 सेकेंड पता है, सॉल्व करके रेडियंस में आंसर आएगा, आंसर आएगा, ये भी क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन में बॉडी कवर थीटा 1 रेडियंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड थीटा 2 इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो शुरू से थीटा 1 है पहले 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में एंगल कवर कितना है, थीटा 2 है, तो रेशियो निकालनी है, और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो ओमेगा नॉट क्या है, जीरो, तो हम एक काम करते हैं, केस नंबर 1 में ये इक्वेशन लगाते हैं ओमेगा नॉट जीरो के साथ, तो एंगल कवर कितना है, थीटा 1 हाफ इंटू अल्फा मुझे पता नहीं इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम टेकन इसमें 2 सेकंड है। दूसरे केस में शुरू से स्टार्ट करते हैं, टोटल एंगल 4 सेकंड में कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, टाइम टेकन कितना है इसमें, 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर, इन्हें और इन्हें डिवाइड करके ये इक्वेशन आ जाती है, थीटा 1 बाय थीटा 2 बाय थीटा 1 ये रहा, या थीटा 1 बाय थीटा 1 1 है, थीटा 2 बाय थीटा 1 इक्वल टू 4, यहां से रेशियो आ जाएगी थीटा 2 बाय थीटा 1 की 3। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं जैसे हम लीनियर काइनेमेटिक्स करते थे बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल काइनेमेटिक्स चलते हैं। इसके बेस पे आपको अभी एक शीट दी है मैंने, उस शीट को प्लीज़ ओपन करें, सब्जेक्टिव शीट है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 43, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, ये रहा। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन है, इसमें रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर है, अब करें ग्राइंडस्टोन हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कांस्टेंट है 4 रेडियंस पर सेकंड का स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड यानी कि हमें 2.5 सेकंड के बाद क्या निकालना है, ओमेगा, तो आप अप्लाई करें ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा का मतलब 4, टाइम का मतलब 2.5, तो ये 10 आ जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड इज द आंसर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 2, आरपीएम फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा निकालना होता है, तो स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम,
ये आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी गिवन है, 600 रेडियंस नहीं होता, रेवोल्यूशंस पर मिनट। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको 60 से डिवाइड करके रेवोल्यूशंस पर सेकंड में निकालना, तो न्यू वन क्या आएगा, 10 RPS, तो यहां से आएगा ओमेगा वन। ओमेगा वन क्या होता है, 2π × फ्रीक्वेंसी, तो आंसर आएगा 2π × 10 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा वन आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। ओमेगा वन ऐसे ही, न्यू टू कितना गिवन है, 1200 RPM को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा RPS, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 20 RPS। तो ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी 2π × फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2π × 20 रेडियंस पर सेकेंड। और ऐसा कितनी देर में हुआ, 20 सेकेंड में हुआ। आपको क्या निकालना है, अल्फा अप्लाई करें, ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 पता है, ओमेगा 1 पता है, टाइम पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, अल्फा। चेक कर लो, आ गया आंसर, ठीक, एक आंसर अल्फा आएगा। अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। और इसी के अंदर दूसरा क्या निकालना है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस का मतलब कितने चक्कर काट रहा है वो, कितने चक्कर काटेगा। तो पहले ये बताओ कितना एंगल वो कवर करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो रही है। तो एक काम करें आप, इसमें ये निकाल लें कि उसने कितना एंगल कवर किया। एंगल कवर करने के लिए आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएं ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज 2 × α × θ। ठीक है, वो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट मींस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2as की जगह 2α θ। तो आप चेक करें, ओमेगा 2 पुट करें, ओमेगा 1 पुट करें, अल्फा पुट करें, यहां से क्या आएगा, थीटा। बताएंगे थीटा कितना आ रहा है, चेक करें थीटा क्या आ रहा कितना रहा है, 600 आ रहा है, 600 रेडियंस। चेक करना ऑनलाइन क्या आ रहा है, क्या 600 रेडियंस आ रहा है ऑनलाइन। सर 600π आ रहा है, 600π आ रहा होगा, राइट, पाई भी आ रहा होगा, राइट। तो 600π, कोई बात नहीं, ये क्लियर है यहां तक ना, ये क्लियर है। ये तो थीटा है ना, उससे तो पूछा इसने कितने चक्कर काटे। जब कोई टायर या सर्कुलर बॉडी एक चक्कर काटती है तो सेंटर पे एंगल कितना होता है, 2π। दो चक्कर में एंगल कितना होता है, 4π। तीन चक्कर में, 6π। एन चक्कर में, 2π × n। ऐसे ही है। तो एक बात बताओ, आपको चक्कर बतानी है कितने आए, राइट। तो नंबर ऑफ रोटेशंस, तो आप एक फॉर्मूला याद करें कि थीटा को अगर मैं 2π से डिवाइड कर लूं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। क्यों, जैसे अगर थीटा 2π है, 2π को 2π से डिवाइड करेंगे एक चक्कर आ गया। अगर थीटा 4π है, 2π से डिवाइड करेंगे दो चक्कर आ गए। और हमारा थीटा कितना है, 600π को 2π से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300 रेवोल्यूशन। ऐसे करके यूनिट्स नहीं होंगे, चक्कर हैं ये, रेडियस रूडियस कुछ नहीं है। आंसर समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है, मुझे पता नहीं, मैंने थीटा नहीं निकाला। हाँ, 4π² आएगा यहाँ पे, ओमेगा का स्क्वायर है, तो आंसर फिर पाई में आ रहा होगा ना। हाँ आ रहा होगा,
ठीक है ना? आयशी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसे सॉल्व करें, आंसर में पाई आना चाहिए, तभी आंसर मैच कर रहा है ना, आ रहा होगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर नहीं थ्री, करा था। ठीक है, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, मैंने बता दिया था कांस्टेंट टॉर्क का मतलब अल्फा इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, कांस्टेंट। व्हील इज टर्न फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है ओमेगा नॉट क्या है, जीरो, और एंगल्स कितना कितना कवर करता है, एंगल थीटा कितना है, 200 रेडियंस, ऐसा कितनी देर में करता है, इन टाइम टेकन टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड में करता है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सलेशन एल्फा निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में आप अप्लाई करो थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी का स्क्वायर, तो थीटा कितने है 200, ओमेगा नॉट कितने है 0, हाफ इंटू एल्फा इंटू 8 का स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आएगा एल्फा, एक आंसर आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, एक आंसर। ठीक, तो आंसर आएगा 6.25। कह रहे अगर यही टॉर्क लगता रहे तो व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 16 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो अप्लाई करते हैं ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, क्योंकि आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में 0 है, एल्फा हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लेना है, और टाइम इसमें क्या पुट करना है 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, तो यहाँ से क्या जाएगा ओमेगा आएगा 100 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है यहाँ तक, तो नेक्स्ट है थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर।
क्वेश्चन है, मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इनिशियल 100 आरपीएम, ठीक है आरपीएम, एंगुलर वेलोसिटी टर्म जरूर गिवन है, लगता है सुनने में कि ओमेगा गिवन होगा एंगुलर वेलोसिटी, पर आपने यूनिट से पढ़ना है आरपीएम, तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या होगा, इसको 60 से डिवाइड करना है ताकि ये आरपीएस में आए, तो न्यू वन की वैल्यू आएगी 5/3 आरपीएस, तो यहाँ से ओमेगा वन आएगा 2π(ν₁) यानी कि 2π(5/3 रेडियंस पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में आ गया। नेक्स्ट है इट्स कम्स टू रेस्ट, कम टू रेस्ट का मतलब ओमेगा टू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ गया जीरो, कितनी देर में 15 सेकेंड में, और एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट डी एक्सलेशन, ऑब्वियसली अल्फा इसमें नेगेटिव आने वाला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फिर से एक बार, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 × t प्लस 1/2 × α × t का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 कितना है इसमें 2π(5/3 × टाइम, टाइम गिवन है इसमें कितना 15 प्लस 1/2 α गिवन है इसमें नहीं गिवन इंटू 15 का स्क्वायर। एक काम करना पड़ेगा आपको ना, एक और इक्वेशन साथ के साथ अप्लाई करनी पड़ेगी, ओमेगा 1 इज ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो ये तीनों वैल्यूज गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके अल्फा आएगा और अल्फा जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, ये फाइनल वेलोसिटी जीरो है, कितना आ रहा है -2π/9, ठीक है तो अल्फा जाएगा नेगेटिव में, उस अल्फा को विद नेगेटिव साइन यहाँ पुट करना है तो क्या आएगा थीटा आएगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, थीटा को 2π से क्या करना है डिवाइड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे आंसर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो कभी भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जब भी निकालने हो सबसे पहले थीटा निकालना ही पड़ेगा और उसको 2π से डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्या है पॉइंट क्लियर है, आंसर आना चाहिए 12.5 ग्यारह, अल्फा तुम्हारा कितना, थीटा कित अल्फा आ रहा है -2π/9 तो थीटा आ रहा है 25π को 2π से डिवाइड 12.5 आ रहा है तो माइनस के साथ करना है। नेक्स्ट तो कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आर, तो सबसे पहले ये आपको ओमेगा ने गिवन, किलोमीटर पर आर वी गिवन है, तो वी कितना है 72 किलोमीटर
पर आर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। रेडियस कार का पता है, डायमीटर को आधा कर दो, 0.25 मीटर रेडियस आ गया। इफ़ दी व्हील्स आर स्टॉप्ड इन 20 रोटेशन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। एंगुलर रिटार्डेशन निकालना है इसमें क्या होगा, तो फाइनल ओमेगा जीरो। इनिशियल ओमेगा निकालने के लिए हमने सर्कुलर मोशन में इक्वेशन क्या अप्लाई की थी, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई आर। तो वी पता है 20, आर पता है 0.25, तो इतने रेडियंस पर सेकेंड आपके पास ओमेगा आ गया। तो ये इनिशियल ओमेगा वन लिख लेते हैं, ये ओमेगा वन आ गया, और ये ओमेगा टू क्या है इसका, जीरो। अब आप अप्लाई करो, ओमेगा टू इज ओमेगा वन प्लस एल्फा टी, ओमेगा टू इसमें जीरो है, ओमेगा वन इसमें हमने निकाल लिया, 20 डिवाइडेड बाई 0.25 है, एल्फा हमने निकालना है, और टाइम कितना गिवन है, स्टॉप्ड इन 20 रोटेशन। गलत इक्वेशन लग गई, गलत क्यों लगी, क्योंकि हमें टाइम गिवन नहीं है, हमें टाइम नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, कितने रोटेशन हैं, 20। एक रोटेशन में थीटा कितना कवर करते हैं, 2 पाई, तो 20 रोटेशन में कितना होगा, 20 × 2 पाई रेडियंस, ये लो। तो अब आप इक्वेशन अप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर इज 2 × α × θ, तो ओमेगा टू क्या है, जीरो, ओमेगा वन क्या है, 20 / 2.5 का होल स्क्वायर इज 2 × α × θ, थीटा कितना है, 20 × 2π, सॉल्व कर लो, अल्फा जाएगा आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 आरपीएम स्लोज डाउन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ एल्फा. स्लो डाउन का मतलब ये रिटार्डेशन है, तो ये नेगेटिव में यूज करना है, तो स्टॉप करना है. व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, समय बताओ. स्टॉप का मतलब फाइनल ओमेगा क्या आएगा, जीरो. तो ये न्यू वन गिवन है आरपीएम में, 420 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस कर लेंगे तो न्यू वन आएगा 7 आरपीएस और ओमेगा वन आएगा 2 पाई इंटू 7 रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा वन, और ओमेगा टू क्या आने वाला है, जीरो. तो अप्लाई करें, ओमेगा टू इज ओमेगा वन प्लस एल्फा इंटू टी. ओमेगा टू पता है, ओमेगा वन पता है, एल्फा को भी नेगेटिव साइन पुट करना और टाइम की वैल्यू निकालना आंसर. तो ये शीट करते हुए आपको फील आ रहा होगा जैसे आप काइनेमेटिक्स में वापस चले गए, वी यू प्लस ए टी. बस यही फील करवाना है, इससे ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सफिशेंट है ये. तो आपको आइडिया हो गया कि कोई चीज़ अगर इस तरीके से रोटेशन करेगी तो कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यों कर रहे हैं. अल्टीमेटली रोटेशनल मोशन में बॉडीज़ को क्या करवाना है, रोल. जब बॉडीज़ जैसे टायर को रोल करवाना है, जब बॉडीज़ घूमेंगी तो देखो उसकी स्पीड भी स्लो और फास्ट होएगी. आपकी कार का टायर घूम रहा है और ओमेगा नॉट जीरो से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा, तो वहाँ पर क्या लगेगा, रोटेशनल काइनेमेटिक्स. समझ में आ रहा है. तो एक हमने क्या कर लिया, टॉर्क, क्योंकि रोल करवाने के लिए क्या चाहिए होगा, टॉर्क. दूसरा हमने क्या कर लिया, रोटेशनल काइनेमेटिक्स. अब तीसरा क्या करेंगे, ये बंद हो गया एक टॉपिक, एक फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज भी खत्म हो गया, अब तीसरा फेज स्टार्ट करेंगे. तीसरा फेज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. इम्पॉर्टेंट ये है, अब मैटर करेगा कोई बॉडी जब रोल करती है कि बॉडी की शेप कैसी है, क्योंकि आप एक जैसी शेप या डिफरेंट शेप ऑफ बॉडीज विद सेम मास को जब रोल करवाते हैं, कोई टायर को रोल करवाओ भागता हुआ जाएगा, स्फेयर को रोल करवाओगे उतना तेज़ी भाग पाएगा, सिलेंडर को करवाओगे और स्लो जाएगा. तो कहीं ना कहीं, जबकि मास सबके सेम है, तो कहीं ना कहीं शेप मैटर करेगी. तो अब हम उस शेप के ऊपर काम करेंगे, फिर रोलिंग के ऊपर आएंगे, अभी टाइम है रोलिंग में, पहले शेप के ऊपर काम करते हैं. पॉइंट समझ में आ रहा है. तो अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया.